ऐसे एड्स आज चाइना में काफी कॉमन हो गए, जिसमें बिल्डर्स अपना फ्लैट बेचने के लिए डाउन पेमेंट में गेहूं और लहसुन तक एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये मंजर है चाइना की एक नई बनी सिटी का, पूरी की पूरी नई बनी सिटी। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ऐसी खाली पड़ी घोष सिटी एक या दो चाइना में नहीं है, बल्कि चाइना में ऐसे 50 से भी ज्यादा सिटीज पूरे खाली पड़े हुए। बेसिकली खाली टाउनशिप्स, जीरो फ्लैट सेल्स, ऐसी हालत है चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर की, जो उनके GDP का 1/3 अपेरेंटली 33.33% शेयर होल्ड करते। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, हमें यह बताया जा रहा है कि चाइना की GDP दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट GDP है और उसकी इकोनॉमी हर साल बढ़ रही है। बट थोड़ा सा इस मामले पर गौर करने पर कुछ ऐसे लेजिटिमेट रिपोर्ट सामने आते हैं जो ये बता रहे हैं कि ये बिल्कुल फेक है। असलियत में चाइना की $17 trillion की इकोनॉमी का 35 से 50% इन्फ्लेटेड यानी कि फेक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा खुद उनके एक्स प्रीमियर यानी कि एक्स PM ली केकियांग का कहना है, जो भी मार्च 2023 तक उनकी मौत के पहले शी जिनपिंग की सरकार में ही थे। सो बेसिकली फ्रेंड्स, अगर इस बात का सेंस बनाया जाए तो चाइना की रियल GDP सिर्फ 8.5 ट्रिलियन से 11 ट्रिलियन डॉलर्स के बीच में है। लेकिन चाइना इसे 17 ट्रिलियन डॉलर का आखिर क्यों बता रहा है, और चाइना इस इतने बड़े झूठ को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश क्यों कर रहा है? वेल, ब्लूमबर्ग और बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल्स और इकोनॉमिस्ट को धमकाया है कि वो GDP डाउनफॉल, डिफ्लेशन और GDP से रिलेटेड कुछ भी पब्लिकली बात नहीं करेंगे। यहां तक कि चाइना ने देश के अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स को भी पब्लिश करने से बैन कर दिया। अब चाइना के फॉर्मर PM ली केकियांग ने ये साफ साफ US एम्बेसडर टू चाइना क्लार्क रैंड को कह दिया था कि चाइनीज GDP टोटली मैनमेड है और वो सिर्फ रेफरेंस के पर्पस में ही काम आती है। और उनका ये क्लियर बयान फिर बाद में WikiLeaks में एक डॉक्यूमेंट में लीक हो गया। दरअसल उस कॉन्फिडेंशियल कॉन्वर्जेशन के अनुसार साल 2007 में मिस्टर केकियांग ने US एम्बेसडर क्लार्क रैंड को अपने घर डिनर पर बुलाया था, जिसमें बातचीत करते वक्त ली केकियांग ने क्लार्क को यह बताया कि चाइना में GDP फिगर्स मैनमेड होते हैं और इसीलिए वो टोटली अनरिलायबल होते हैं। इसके अलावा ST न्यूज के अनुसार चाइना की एक प्रोविंस लियाओनिंग के स्टेट गवर्नर चेन क्यूफा ने भी एक सीक्रेट ऑफिशियल मीटिंग में ये एडमिट किया कि उन्होंने खुद पिछले 5 साल यानी कि 2011 से 2015 तक अपने स्टेट की GDP ग्रोथ कंप्लीटली फेक बताई। अब इसके बाद इन दोनों ऑफिशियल सोर्सेस के साथ वर्ल्ड वाइड हर बड़ी इकोनॉमिक थिंक टैंक और न्यूज एजेंसी जैसे द इकोनॉमिस्ट, डेली मेल, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट, BIS यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने कई सारे रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स पब्लिश किए इस बात को एनालाइज करने के लिए। और फाइनली उन्होंने ये खुलासा किया कि चाइना अपने GDP को वाकई में फेक बता रहा है। बट अब सवाल आता है कि कितना फेक। तो इस सवाल का एग्जैक्ट जवाब जानना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि हम सभी को पता है, चाइना बीइंग चाइना, वो अपने देश में एक हाई लेवल ऑफ सीक्रेसी मेंटेन रखता है और इसी वजह से उसका असल डेटा निकालना काफी मुश्किल है। लेकिन हम अलग अलग साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज और क्रेडिबल सोर्सेस के रिपोर्ट्स को निकालकर एक अच्छा खासा इंटरप्रिटेशन जरूर बना सकते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर्स। सो स्पेक्यूलेशन नंबर 1, चाइनाज नाइट टाइम सैटेलाइट इमेज। जरा इस नाइट टाइम सैटेलाइट इमेज को ध्यान से देखो। ये है साउथ कोरिया, जो काफी ज्यादा वेल लिट दिख रहा है, और उसी के ऊपर जो ये डार्क रीजन है वो है नॉर्थ कोरिया, जो साउथ कोरिया से काफी कम डेवलप्ड है, एज यू ऑल नो। अब मे बी आप यहां पर थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं आपको ये नाइट टाइम इमेजेस क्यों दिखा रहा हूं। And well, that's because, believe it or not, ये images एक देश की GDP का direct reflection है। एक बहुत ही strong correlation है इन दोनों factors के बीच में। आइए समझते हैं कैसे। So, ये है 2012 का इंडिया, जब हमारी GDP केवल 1.9 trillion dollars की थी। और ये है 2016 का इंडिया, जब हमारी GDP बढ़कर 2.3 trillion dollars की हो गई। अब अगर आप इसको एकदम क्लोजली नहीं भी देखोगे तो भी फर्स्ट पिक्चर से सेकंड पिक्चर में GDP बढ़ने के साथ लाइट बढ़ चुकी है, ये क्लियरली दिख रहा है। इस इंक्रीज ऑफ लाइट को नाइट टाइम लाइट सैटेलाइट इमेज मेथड कहा जाता है, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के इकोनॉमिस्ट लुई आर मार्टिनेस ने चाइना जैसे क्लोज्ड इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए एक रिसर्च पेपर में पब्लिश किया था। अब लाइट्स को स्टडी करके GDP को एस्टिमेट करने का पीछे का लॉजिक ये है कि अगर किसी कंट्री का GDP बढ़ा तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे हाईवेज, बिल्डिंग्स जरूर बढ़ता है, और इवेंचुअली वहां पर ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से लाइट्स भी वहां पर ज्यादा दिखाई देती है। इसी मेथड से उन्होंने कैलकुलेट किया कि चाइना की GDP 35% लेस है। इसी रिसर्च पेपर को फिर क्रेडिबल मानकर द इकोनॉमिस्ट और वॉशिंगटन पोस्ट ने भी कोट करते हुए ये एक्सेप्ट किया कि चाइना की GDP वाकई में फेक है। अब बढ़ते हैं स्पेक्यूलेशन नंबर 2 की ओर।
So, पिछले दो सालों से चाइना इन्फ्लेटेड जीडीपी फिगर्स बता रहे हैं। जैसे इस टेबल में आप देख सकते हो, हमने पिछले तीन साल के ऑफिशियल चाइनीज जीडीपी ग्रोथ फिगर्स से आईएमएफ के जीडीपी फिगर्स को इंडिपेंडेंटली कंपेयर किया, तो हमारे सामने कुछ ये पिक्चर था। साल 2020 में चाइना ने कोट किया कि उनका जीडीपी 2.3% से ग्रो कर रहा है, लेकिन उसी साल आईएमएफ ने चाइना का जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 1.2% बताया। मतलब कि चाइना ने अपने ग्रोथ को लिटरली डबल दिखाया था। और सिमिलरली 2021 में चाइना ने अपनी ग्रोथ को 18.1% बताया था, पर आईएमएफ के हिसाब से ग्रोथ सिर्फ 9.2% ही हुआ था। सिमिलर इन्फ्लेशन 2022 में भी हुआ। स्पेकुलेशन नंबर 3, ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन रिसर्च पेपर। 2019 में ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन के कुछ चाइनीज साइंटिस्टों ने भी चाइना के जीडीपी फिगर्स को स्टडी करके ये पब्लिश किया कि चाइना उसके इकोनॉमिक ग्रोथ को हर साल 2% से इन्फ्लेट कर रहा है, और इस हिसाब से चाइना की इकोनॉमी एक्चुअल फिगर से मिनिमम 12% कम है। और ये रिसर्च पेपर पब्लिकली अवेलेबल है, जिसे आप खुद भी देख सकते हो, और इस पूरे एनालिसिस से ये साफ हो जाता है कि चाइना अपने जीडीपी को इन्फ्लेट कर रहा है। अब इंटरेस्टिंगली चाइना के अपने फिगर्स को इन्फ्लेट करने का प्रोसीजर भी काफी यूनिक है, क्योंकि चाइनीज सेंट्रल गवर्नमेंट लिटरली अपने प्रोविंसेस को जीडीपी इन्फ्लेट करने का टारगेट देती है। अब ये कैसे, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स का मुंबई में एक कार प्रोडक्शन फैक्ट्री है, जिसने एक पर्टिकुलर साल में हाइपोथेटिकली 1,00,000 रुपए के कार्स प्रोड्यूस किए। अब वही सेम मुंबई में ही महिंद्रा एंड महिंद्रा का शोरूम भी है, जिसने उसी साल 1,00,000 रुपए के कार्स को बेचा। अब ओवरऑल उस साल में महिंद्रा एंड महिंद्रा का रेवेन्यू 1,00,000 रुपए होगा, बराबर, क्योंकि 1,00,000 रुपए की कार बनी और वही 1,00,000 रुपए की बिकी भी। बट यही सिंपल सा कैलकुलेशन चाइना के केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। सो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जिसे दुनिया का टॉप बैंक और वर्ल्ड वाइड के सेंट्रल बैंक्स की आरबीआई के लिए एक गाइडिंग बैंक कहा जाता है, उनके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से चाइना में यही 1,00,000 रेवेन्यू को 2,00,000 कंसिडर किया जाता है, सिर्फ ताकि स्टेट्स अपने टारगेट्स को पूरा कर सके। बीआईएस के रिसर्च ने ये कोट किया कि चाइना में होता ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर ईयर के लिए एक जीडीपी ग्रोथ टारगेट सेट करती है, और स्टेट्स को उन्हें अचीव करने का टास्क मिलता है, जिसके लिए ऑब्वियसली स्टेट्स को हेविली इंसेंटिवाइज भी किया जाता है। और इसीलिए स्टेट्स अक्सर इस इंसेंटिव को पाने के चक्कर में, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, एस्टैब्लिशमेंट यानी कि कंपनी की फैक्ट्री को और एंटरप्राइज यानी कि कंपनी को दो अलग एंटिटीज कैलकुलेट करते हैं, जिससे कंपनी का रेवेन्यू ऑन पेपर डबल कैलकुलेट हो जाता है और इवेंचुअली जीडीपी भी। इसी मैल प्रैक्टिस को लियाओनिंग प्रोविंस के गवर्नर चेन क्यूफा ने हाईलाइट किया था और ओपनली इस स्कैम को एक्सेप्ट भी किया था कि यस, उनका प्रोविंस भी फिगर्स को इन्फ्लेट करके आगे भेजता है, और भेजता क्यों है, क्योंकि ये मजबूरी है। लेकिन ये तो हुआ पहला ही तरीका जिससे चाइना अपने जीडीपी को इन्फ्लेट कर रहा है। उनका दूसरा तरीका तो इससे भी बड़ा स्कैम है, और वो है उनका रियल एस्टेट सेक्टर इन्फ्लेशन। रियल एस्टेट जो चाइना में इतना बड़ा सेक्टर है कि इस पर लिटरली 30% चाइनीज जीडीपी डिपेंडेंट है, वो पूरा का पूरा सेक्टर असल में सिर्फ और सिर्फ एक बबल है जो कभी भी फूट सकता है, क्योंकि उस सेक्टर को भी आर्टिफिशियली हाइप किया गया है। आज चाइना में सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बिल्डर्स अपने फ्लैट को सेल नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से वो लिटरली ऐसे एड्स पब्लिश कर रहे हैं, वो अनियंस और गार्लिक के बदले में फ्लैट्स को देने तक राजी हो रहे हैं। पर फिर भी चाइना में हाउसिंग डिमांड नेगेटिव है, वहां पर सिटीज ऐसे वीरान पड़े हुए, और ऐसे कुल 50 सिटीज है जो चाइना में खाली पड़े। अब चलो थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि चाइना की ऐसी हालत कैसे हो गई। देखो, चाइना का ये रियल एस्टेट सेक्टर $5.1 trillion का है, जो लिटरली इंडिया के जीडीपी का ऑलमोस्ट डबल अमाउंट है, लेकिन हर साल चाइनीज रियल एस्टेट 8.8% से गिर रहा है। मतलब हर साल ये सेक्टर लगभग $448 million का लॉस फेस कर रहा है, विच इज अ ह्यूज नंबर। करीब इतना ही अमाउंट पाकिस्तान आईएमएफ से एड में मांग रहा है ताकि उनका पूरा देश बच सके। बट एनीवे, टॉप जापानीज न्यूज निक्की के हिसाब से चाइना अपने इस ट्रिमेंडसली इंपॉर्टेंट सेक्टर को बचाने के लिए सिर्फ एक साल में $460 billion अपने जेब से पंप कर रहा है। एंड अगेन, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट है। समझ लो इतना अमाउंट है कि मालदीव जैसे देश की इकोनॉमी का 30-40 टाइम्स है। इतने पैसों के चाइना ने रियल एस्टेट बॉन्ड्स इशू किए, और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उनका डेट टू जीडीपी रेशियो 279% हो गया। अब चाइना में ऐसी सिचुएशन आने की क्या वजह है? Well, इसका जवाब छुपा है इतिहास में। So, 1990s में चाइना ने पहली बार अपने लैंड्स को लीज पर देने के लिए लिबरेट यानी कि ओपन कर दिया था, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और इसीलिए देश में हर पब्लिक प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग लैंड्स सब कुछ गवर्नमेंट ओन्ड होता है। अब 1990s में ही लैंड्स को लिबरेट करते ही
उनकी गवर्नमेंट को हैवी इनकम आने लगा। इनफैक्ट आज तक उनकी गवर्नमेंट का 40% रेवेन्यू यानी उनकी गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट हाफ कमाई अकेले लैंड लीज और उससे जुड़े टैक्सेस से ही आती है। सो बेसिकली दिस वॉज अ गेम चेंजर फॉर चाइना। इनफैक्ट इस एक लिबरलाइजेशन मूव से चाइना में रियल एस्टेट कंपनीज इतनी बढ़ गई कि 1993 में चाइना में सिर्फ 505 प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी, वो तब से लेकर 2021 तक 1.2 लाख कंपनीज हो चुकी थी। अब क्योंकि गवर्नमेंट को इससे काफी हैवी प्रॉफिट हो रहा था, इसीलिए उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर को और ज्यादा बूस्ट देने के लिए इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज को इजी और लो इंटरेस्ट रेट पर लोन्स देना शुरू कर दिया ताकि वो और ज्यादा फ्लैट्स बनाए। इस बात को आप इससे समझ सकते हो कि रिसेंटली चाइना की दो बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज एवरग्रैंड और कंट्री गार्डन होल्डिंग्स कंपनी ने जब बैंक्रप्सी फाइल की थी, उनका डेट कुछ ये था। एवरग्रैंड का डेट था ह्यूमंगस 2.39 ट्रिलियन युआन और कंट्री गार्डन होल्डिंग्स का 1.4 ट्रिलियन युआन यानी कि 194 बिलियन डॉलर्स। इन शॉर्ट हैवी लोन्स मिलने की वजह से चाइना में बल्क में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ गए और उनको बेचने के लिए उन बिल्डर्स ने काफी लुक्रेटिव ऑफर्स रखना शुरू कर दिया। मतलब शायद ही किसी देश में ये हुआ होगा कि बिल्डर्स लोगों को लिटरली जीरो डाउन पेमेंट में घर बेच रहे थे। सो जाहिर है ऐसे ऑफर से लोगों ने घर खरीदने के लिए लाइन लगा दिया। एंड यू वोंट बिलीव बट हैंक टेरेब्रूड जो कि प्रीमियम फंड मैनेजमेंट के चीफ रिस्क ऑफिसर और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि ऑफिशियल डेटा के हिसाब से आज चाइना में 20% घर तो सिर्फ और सिर्फ लोन पर खरीदे हुए। अब इतने लोन्स मिलने से और सेल्स बढ़ने से उन कंपनीज ने मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स शुरू कर दिया और एक प्रोजेक्ट के लिए मिले पैसों को नए प्रोजेक्ट्स के लैंड परचेस करने में डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। और यहीं से आया चाइना का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अपने हाउसिंग सेल्स को बूम होता देख चाइनीज गवर्नमेंट ने लैंड के प्राइसेस बढ़ा दिए जिससे इवेंचुअली हाउसिंग प्राइसेस भी बढ़ गए और फिर ऐसा होते ही तुरंत हाउसिंग डिमांड गिर गई और डिमांड गिरने का मतलब बिल्डर्स का सेल्स कम हो गया और बिल्डर्स की कमाई सिर्फ सेल्स पर ही डिपेंड होती। अब क्योंकि सेल्स नहीं हो रहा था और लोन पे मिले पैसे भी उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट्स में खर्च कर दिए थे, इससे एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन भी हॉल्ट हो गया और इवेंचुअली रियल एस्टेट कंपनीज बैंकक्रप्ट हो गए। सिर्फ 2020 में 288 चाइनीज रियल एस्टेट कंपनीज ने खुद को बैंकक्रप्सी यानी दिवालिया घोषित कर दिया। नाउ जैसे कि मैंने बताया, लोगों ने घरों के लिए ऑलरेडी लोन्स लिए हुए थे और उनके ईएमआईज भी शुरू हो गए थे, बट बिल्डर्स के लॉस होने से प्रोजेक्ट्स बंद पड़ गए और दूसरी तरफ उन्हें घर भी नहीं मिला। इसी बात से फ्रस्ट्रेट होकर आम जनता ने लोन्स भरना बंद कर दिया। आज चाइना के 40% हाउसिंग लोन्स डिफॉल्ट हो चुके हैं। इसका इकोनॉमी पर यह इंपैक्ट हुआ कि आज ना ही रियल एस्टेट कंपनीज ने पैसे भरे हैं और ना ही सिटीजंस लोन पे कर रहे हैं और इसके वजह से चाइना में एनपीए क्राइसिस आ चुका है। पर अभी भी चाइना अपने इस जीडीपी को हैवी लिफ्ट करवाने वाले सेक्टर में स्टिम्युलस देकर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। सो ऑल इन ऑल फ्रेंड्स, इस पूरे एनालिसिस को देखकर मुझे ये लगता है कि चाइना ने जो अपनी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने की इमेज क्रिएट की है वो काफी हद तक फेक ही है और उसे बचाने के लिए चाइना और भी ज्यादा डेट में डूबते जा रहा है क्योंकि इसका इंपैक्ट ग्लोबल लेवल पर भी पड़ेगा क्योंकि एज वी ऑल नो ऑलमोस्ट हर कंट्री के इन्वेस्टमेंट्स और कंपनीज के ऑपरेशंस चाइना पर डिपेंडेंट है। अक्सर दुनिया में ऐसे बड़े इवेंट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन पूरे वर्ल्ड में रिपल्स फैलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मालूम होगा इसराइल हमास वॉर चल रहा है और इस वॉर से इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होने वाला है एंड दिस इज अ फैक्ट। अब ऐसा क्यों होने वाला है इसको मैंने ऑलरेडी डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है जिसमें मैं एंटायर ग्लोबल डायनामिक्स को समझा रहा हूं और इंडिया के इसमें क्या स्टेक्स है और हमास के कुछ डार्क सीक्रेट्स भी रिवील किए जिसे यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल और ऑप्शन दबाओ ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।